क्या यूपी के सुल्तानपुर से बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने डिफेंस सौदे से जुड़ी जानकारियां लीक की हैं? क्या वरुण गांधी हनी ट्रैप में फंस गए हैं? ये सवाल उठ रहे हैं एक अमेरिकन विसल ब्लोअर के दावों से। स्कॉर्पियन पनडुब्बी मामले में विसल ब्लोअर एडमंड्स एलन ने पीएमओ को एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में आरोप लगाया गया, आर्म्स डीलर अभिषेक वर्मा ने वरुण को हनी ट्रैप में फंसाकर खुलासा खुफिया जानकारियां हासिल की। तो वही स्वराज अभियान के नेता प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव ने भी वरुण गांधी को कटघरे में खड़ा कर दिया। आपको बता दें कि एडमंड्स सेलन अमेरिकन लॉयर है, पहले अभिषेक वर्मा और एडमंड्स साझेदारी किया करते थे। हालांकि वरुण और वर्मा ने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया है, इन्हें गलत बताया है। वही अभिषेक वर्मा ने भी ईमेल और तस्वीरों को मनगढ़ंत करार दिया है। चलिए आरोप क्या लगाए जा रहे हैं ये भी बताते हैं। असल में स्वराज अभियान ने आरोप लगाया कि अमेरिकी विसिल ब्लोअर एडमंड एलन ने पीएमओ को चिट्ठी लिखी है। योगेंद्र यादव ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चिट्ठी जारी की, ये 16 सितंबर को लिखी गई थी। चिट्ठी में यह आरोप लगाया गया कि बीजेपी सांसद वरुण गांधी को रक्षा सौदे में दलाली के लिए हनी ट्रैप में फंसा लिया गया। इसमें बताया गया कि संवेदनशील जानकारी लेने के लिए वर्मा डिफेंस कंसल्टेटिव कमेटी के मेंबर वरुण गांधी को ब्लैकमेल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय को दर्जनों फोटोग्राफ और एक बड़ी सीरी सबूत के तौर पर भेजी गई। उन्होंने वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग भी की है। जो पार्लियामेंट्री डिफेंस कमेटी के मेंबर रहे, पार्लियामेंट की जो कंसल्टेटिव कमेटी ऑन डिफेंस होती है उसके मेंबर हैं, जिनकी इन सारे एजेंट्स के साथ उनके जो रिश्ते हैं वो एक हैज यूज्ड फॉरेन प्रोस्टिट्यूट्स एस्कॉर्ट सर्विसेज टू कॉम्प्रोमाइज ए लार्ज नंबर ऑफ वेरी सीनियर ऑफिसर्स ऑफ इंडियन डिफेंस सर्विसेज एंड इन पर्टिकुलर वन मेंबर of parliament of the BJP who was a member of the defense consultative committee for a long time. तो वही वरुण गांधी ने इन आरोपों पर सफाई दी है। वरुण गांधी ने कहा है कि वो 2004 से वर्मा से नहीं मिले। उन्होंने कहा कि आखिरी बार वर्मा से मुलाकात के वक्त उनकी उम्र 22 साल थी और वो वर्मा को एक सांसद के बेटे के तौर पर जानते थे। वैसे भी कंसल्टेटिव कमेटी मेंबर्स को डिफेंस से जुड़ी कोई संवेदनशील जानकारी नहीं बताई जाती। वरुण ने कहा कि वो भूषण और यादव के खिलाफ मानहानि का केस करेंगे। वही रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस पर टिप्पणी करने से ही इनकार कर दिया। सांसद का मुझे मालूम नहीं, मैं आपको पहले बोल दिया, उनके पास कुछ डॉक्यूमेंट है वो उन्होंने देखने दो, मुझे क्या संबंध है उसका। रफेल का आपने मुझे पूछा, मैंने बोला ये सबसे अच्छा डील इस देश को मिला है। प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव ने राफेल डील पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने 126 एयरक्राफ्ट खरीदने की घोषणा की थी लेकिन खरीदे सिर्फ 36, वो भी दुगनी कीमत पर। 3-4 महीने में कीमत दुगनी कैसे हो गई? इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है और इसकी जांच हो। रफेल थेलर्स पे कुछ बैन नहीं है। रफेल इज वन ऑफ द बेस्ट डील वी हैव मैनेज्ड एंड इट वाज पॉसिबल ओनली बिकॉज द टॉप प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री दे एग्रीड, दैट्स व्हाई वी कुड गेट द बेस्ट डील व्हिच इज नॉट इवन गिवन टू एनी अदर कंट्री। इट इज वन ऑफ द बेस्ट फाइटर।